चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। भोलेनाथ रेस्टोरेंट एंड भोजनालय का हुआ शुभारंभ। शुद्ध सात्विक शाकाहारी घर जैसा तरोताजा भोजन एमएम पाटीदार हॉस्पिटल के पास सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। संपर्क 6376-5022-7। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत थाना अधिकारी अजय सिंह राव के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत सागवाड़ा शहर में निर्धारित जगह पर वाहन पार्किंग नहीं कर निर्धारित रेखा के बाहर वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर चालान काटकर दंडित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह चौहान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई ऐसे वाहन चालकों के चालान काटे गए जिन्होंने इस नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें अनीता माया ट्रेवल्स की बस जो रोडवेज डिपो के बाहर खड़ी थी और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही थी, जिसको चालान काट कर दंडित किया। इधर MMB मैनकाइंड ग्रुप डूंगरपुर की ओर से थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में नूर मोहम्मद मकरानी MMB मैनकाइंड ग्रुप की टीम के द्वारा सागवाड़ा शहर के गोल चौराहे और शहर के अन्य जगहों पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों को नो मास्क नो एंट्री के तहत मास्क वितरण किया गया। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों को समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए और बिना वजह बाजार में नहीं आना चाहिए। अगर अति आवश्यक है तो मास्क पहनकर ही बाजार में आना चाहिए और स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। वागड़ का एकमात्र ऑनलाइन शॉप करणमार्ट, प्ले स्टोर से करणमार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और शॉपिंग का खुलकर आनंद लीजिए। विशेष ऑफर के साथ शर्त लागू। गुरु की तरफ से मास्क का वितरण हुआ, पोलियो का वितरण हुआ, तो बताइए राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए और राज्य सरकार ने नौ मास्क को अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत आज एमएमपी ग्रुप के दोनों मजदूर मकरानी और उनकी टीम के द्वारा गोल चौराया और सागवाड़ा के बाजार में मास्क वितरित किए गए और सबको समझाया गया कि भाई आपको मास्क नो मास्क नो एंट्री है, तो आप जब भी बाजार में आएँ, आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का जरूर यूज करें और सोशल डिस्टेंस पालन करें, लगातार हाथ धोते रहें और सैनिटाइज हाथों को सैनिटाइज करें। और ये आपकी सुरक्षा के लिए, ये आप किसी से पुलिस से डर कर या किसी से डर कर आपको नहीं लगाना, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। जब तक हमें खुद में अनुशासन नहीं आएगा इस चीज़ के, इस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी मतलब नहीं बच पाएंगे। तो इसी कड़ी के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को आज के लिए मास्क का वितरण किया गया है और लोगों से समझाइश की गई है और हमारी तरफ से भी बिना मास्क के चालान बनाए जा रहे हैं और सख्ती बढ़ी जा रही है, लेकिन लोगों में थोड़ा अवेयरनेस की अभी भी कमी है। उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलाए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि लोगों ने वाहन को इधर उधर पार्किंग कर रखा है और इस संबंध में आपने अभियान भी छेड़ रखा है और आज चालान भी काटे हैं, तो इस संबंध में आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरी पोस्टिंग हुई उसके बाद दूसरे दिन हमने पूरे बाजार में राउंड लिया था। राउंड लेने के बाद हमने ट्रैफिक एक साथ राजनीतिक के ऊपर निर्देश दिए थे कि हमने ट्रैफिक की व्यवस्था एक्सप्रेस होनी चाहिए और हमने सभी एसोसिएशन से देते हैं, बस एसोसिएशन है, टेम्पो एसोसिएशन है या टैक्सी एसोसिएशन है, सबको बुलाकर उनसे हमने बात भी की थी कि भाई आपको इस तरह से इस व्यवस्था को बनाना है, तो उस व्यवस्था में सभी सहयोग भी कर रहे हैं और काफ़ी सुधार भी हुआ है। लेकिन आज फिर बसों जो अपने बसों के लिए निर्धारित किया था एसोसिएशन से बात करके कि कमलेश्वर तालाब से लगाकर आप सिद्धार्थ वर्टिकल के बीच में कोई वाहन खड़ा नहीं करना है, उस समय में आज बसें कुछ बसें रोड पर खड़ी थी, उसके चालानी बनाए गए और जो भी वाहन सफ़ेद लाइन के बाहर खड़ा रहता है उसके लिए भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वाहन के खिलाफ चालान बनाए जा रहे हैं और इसमें शहर की भी सुंदरता बढ़ेगी और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नहीं आएगी, क्योंकि त्यौहारी सीजन है तो काफ़ी लोग बाजारों में उसकी भीड़ दिखेगी, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफ़ी अच्छा प्रयास हमारा जारी है और काफ़ी हद तक हमने सुधार करने की पूरी कोशिश की है और व्यापारियों का भी इसमें भी सहयोग मिल रहा है और भी मैं कहता हूँ जनता से मेरा आह्वान है कि आप इसमें सहयोग करें, आप खुद में अनुशासन बने, तभी ट्रैफिक सेंस हम में सब होना जरूरी है, तभी सुधार आएगा और अच्छा प्रयास जारी है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.wagarlive.in या प्ले स्टोर पर वागर लाइव एप्लीकेशन सर्च कीजिए। आप हमारे चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवा सकते हैं।